हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग इंस्टाग्राम पे किसी भी पोस्ट को सेव एज अ ड्राफ्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप लोग किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को ड्राफ्ट में कैसे सेव कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें लिख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, हैशटैग वगैरह, और सारी प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन हमारे किसी भी कारण से बैक हो जाता है तो सारी चीज़ें हमें फिर से करनी पड़ती है, हैशटैग फिर से लिखना पड़ता है, या फिर क्या होता है, कई लोग ना आने वाले समय की पोस्ट पहले से सेव रखना चाहते हैं ताकि उन्हें बार बार सेम प्रोसेस ना करना पड़े, उनकी आने वाले 7 दिन की पोस्ट पहले से ही सेव पड़ी हो उनके पास। तो ऐसे में इंस्टाग्राम आपको एक ड्राफ्ट का ऑप्शन देता है, तो वो कैसे आता है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे टैप करना होगा इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद अब हमें जो भी फोटो पोस्ट करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हम तो मैं याला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको जहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग एडिट वेडिट करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ से ब्राइट वगैरह कुछ बढ़ानी हो तो कर सकते हैं। मुझे बताया यार, फोटो पहले ही अच्छा लग रहा था, जस्ट यहाँ से मैंने एडिट करके थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, लेकिन मैं आपको जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्शन वगैरह कुछ भी लिखना है। एग्जाम्पल के लिए कैप्शन लिख देता हूँ मैं, मनीष फॉर यू, ठीक है। कैप्शन लिख दिया, यहाँ से टैग वैग किसी को करना है कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से टैग करना चाहें किसी को भी। मैं यहाँ से अपने आप को टैग कर देता हूँ, जस्ट मैं एक ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल कुछ ज़्यादा ही हैंग कर रहा है, तो यहाँ पे मनीष फॉर यू लिख देते हैं। और मनीष फॉर यू लिखने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, डन पे क्लिक करा, ठीक है। डन पे क्लिक करा, अब मैं चाहता हूँ ये पोस्ट मेरी सेव ड्राफ्ट में चली जाए। मैं बैक करूँगा और एक बार और बैक पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव करने का ड्राफ्ट में, तो सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ड्राफ्ट में सेव हो गई है, मेरे पास ये बेनिफिट है कि अब मुझे ये सारी चीज़ें फ्यूचर में नहीं करनी पड़ेगी, यानी इस पोस्ट के लिए नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट ड्राफ्ट पे सिलेक्ट करा, ये भाई पोस्ट आ गई, ये वाली हमारी पोस्ट ड्राफ्ट में पड़ी है। ऑलरेडी देख सकते हैं आप, मेरे पास 2 ड्राफ्ट और पड़े। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सारा प्रोसेस बिल्कुल ऑलरेडी यहाँ पे। आप लोग अगर फ्यूचर पोस्ट के लिए अगर ड्राफ्ट सेव करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया इंस्टाग्राम में।